ప్రభు నీతనంద ప్రియద్వైత గదాధర శివ సది గౌర భక్త ప్రీంద హే కృష్ణ చైతన్న ప్రభు నీతనంద ప్రియద్వైత గదాధర Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama.
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनिकावधातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशः गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 बोल हरि कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पादष्टोदर सदस्य श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पादष्टोदर सदस्य श्री श्री श्रीमद भक्ति उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को चरण में मैं जता जी के प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण थोड़ा ही ठीक है वो हरि बोल ओ हरे कृष्ण छानी के बोल हरि बोल हरि बोल माइक खराब खराब हरे कृष्ण। हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमद चैतन्य महाप्रभु कैसे नित्यानंद प्रभु नगर भ्रमण करते करते एक दारी सन्यासी के घर में महाप्रभु उपस्थित हुए और उपस्थित होकर के महाप्रभु उसको घर में भी उन्होंने कृपा किया है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं बोले त्रैण मद पर प्रभु अनुग्रह करे निंदक वेदांत यदि तथा भी संहारे। अगर कोई स्त्रैण है अगर स्त्री को प्रति कोई आसक्ति हो और मद्यप अगर कोई शराब पान करते हैं महाप्रभु उनको ऊपर में भी उन्होंने कृपा की है। लेकिन अगर भले ही ये वेदांत क्यों नहीं हो है सारे वेद वेदांत कोई पढ़ा क्यों नहीं हो लेकिन अगर वो निंदा करता है, है? किसको निंदा करता है भक्ति भक्त और भगवान कहती ये त्रिपुटी त्रिपुटी विनाशक है ये तीनों को विनाश करने वाले तीनों को ये नहीं मारने मानने वाले हैं। इसलिए अगर कोई भगवान वैष्णव का अगर कोई निंदा करते हैं महाप्रभु क्या कहते हैं महाप्रभु उसको संहार करते हैं उसको ऊपर में कृपा नहीं करते हैं। बोले एक दोष सकल गुण रगल शक्ति पढ़ाए वेदांत ना बाखने कृष्ण भक्ति। कहते इन लोगों के अंदर में सारे गुण हैं समो दम है इन लोग सारे को अंदर इंद्रियों को दमन करना
बाहर इंद्रियों को दमन करना, तप, शौच, ये सारे गुण इनके अंदर में विद्यमान है, लेकिन दुर्गुण क्या है इनके अंदर में है? वेदांत भी पढ़ाते हैं, वेदांत को पढ़ते भी है और वेदांत को पढ़ाते भी है, लेकिन ये कृष्ण भक्ति को बखान नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पर श्री प्रभुपाद कहते हैं, कहते ये जो स्त्रैण और जो मद्यप है ये केवल पाप है, लेकिन जो पाप है ये पाप से जीव का अगर भगवान की भक्ति करे, कहते केवल नाम की आभास मात्र से, एक नाम अपराध से ही जीव का पाप, बीज, कूट, प्रारब्ध, अपराध सबके सब नष्ट हो जाता है। इसलिए जगाई माधा के ऊपर उन्होंने कृपा किया है, इतने बड़े पापी होने पर भी हैं, जिसको चित्रगुप्त लिखते लिखते कापी में पूरा घर भर गया था, तब भी महाप्रभु इनके ऊपर भी कृपा की है, हैं कृपा की है। कदि जो पाप को द्वारा क्या होता है, हैं कदि ये पाप को द्वारा, पाप तो होता है लेकिन जो आत्मा की जो वृत्ति है ना भक्ति, इसको पर उतना कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन कहते जो अपराध है, जो पाप है, ये शरीर संबंधी वस्तु है, जो शरीर नष्ट हो जाता है वो भी नष्ट हो जाती है, लेकिन जो अपराध है कहते ये बड़ा भयावह है, कहते ये आत्मा संबंधी वस्तु है, हैं ये वैष्णव और अगर भगवान कहते इनको उपलक्ष्य करते हुए कहते ये अपराध होता है। इसलिए अपराध से प्रभुपाद कहते हैं ये अपराध से नष्ट होना बड़ा कठिन है। इसलिए कहते पाप से तो नष्ट हो जाता है, पुण्य करने पर अगर कोई पाप करे, थोड़ी सी पुण्य करे कहते उसको द्वारा तो पाप नष्ट हो जाता है, लेकिन अपराध को द्वारा जीव का सर्वनाश और ज्यादा अमंगल ये अपराध से होता है। इसलिए ये चीज को दिखाने के लिए कहते महारे आनिला नाड़ा सय न भांगिया एकाने बाखाने क्या न भक्ति लुकाया। हम लोग पहले श्रवण कर रहे थे, क्या श्रवण कर रहे थे, महाप्रभु श्री अद्वैत आचार्य उनको गुरु वर्ग लगते हैं, गुरु वर्ग लगने के नाते वो खूब श्रीमन महाप्रभु को है, कहते महाप्रभु अद्वैत आचार्य को खूब सम्मान करते हैं, लेकिन अद्वैत आचार्य को पता है मैं तो उनका अंश के अंश के अंश में अंश हूँ। जब बलदेव प्रभु स्वयं कृष्ण का दासत्व करते हैं, मैं भी उनका दास हूँ, मैं उनका दास हूँ, लेकिन महाप्रभु जोर जबरदस्ती उनको सम्मान देते हैं, चरण धूलि लेते हैं, इसलिए अद्वैत आचार्य बड़े दुखी थे। इसलिए सोच रहे थे ऐसे कौन सा काम करूं जो कि मेरे ऊपर में महाप्रभु बिगड़ जाए और मेरे को दंड प्रदान करे। कहते भगवान सबसे ज्यादा नाराज किससे होते हैं, अगर कोई भक्ति को अगर कोई अनादर करते हैं, महाप्रभु सबसे ज्यादा उससे ही नाराज, उससे ज्यादा सबसे ज्यादा दुखी उसी में होते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जा करके है, उन्होंने जा करके अपना जोग वासिष्ठ को उन्होंने व्याख्या किया और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु वहां पर गए और जा करके बोले कहां सुतिया अचन खिर समुद्र सागरी निद्रा भंग हैल तो नारायण हुंकारे, कहां मैं सो रहा था हैं, कहते मैं सो रहा था मैं खीर समुद्र में और तुमने गंगा जल और तुलसी पत्र दे करके तुमने मेरे को बुलाया वहां से और यहाँ आकर क्या कर रहे हो, बुलाया मेरे को और बुला करके तुम यहाँ क्या कर रहे हो और यहाँ पर तो ज्ञान का व्याख्या कर रहे हो और भक्ति को छुपा करके, इतने में क्या क्या महाप्रभु तर्जन गर्जन करते हुए जब महाप्रभु धर आए, अद्वैत आचार्य समझ गए अभी पिटाई होगी, अभी मेरे घर में पिटाई होगी, क्योंकि भक्त है ना, भक्त भगवान से भी है, कहते भगवान कभी कभी जो योग माया क्या करते हैं, लीला शक्ति भगवान को ज्ञान को कभी कभी आकृत कर देता है, अगर क्योंकि उनके अंदर में अगर ये भगवत ज्ञान होना फिर लीला नहीं होगा, लेकिन जो भक्त लोग हैं ये भक्त लोग ये सब चीज को समझ जाते हैं। इसलिए अद्वैत आचार्य समझ गए आ गए, अभी महाप्रभु आ गए, अच्छे तरीके से मेरे को अभी भुलाई होने वाले हैं,
वो अपना भक्ति के प्रभाव से वो जान गए हैं। और जब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु आए ना, कहते उनकी कृपा पाने के लिए महाप्रभु तो श्री अद्वैताचार्य जो जान बूझ करके महाप्रभु के सामने जान बूझ करके उन्होंने खूब ज्ञान की महिमा को बढ़ाई कर खूब ज्ञान को बढ़ाई किया। इतने में महाप्रभु सुन करके हैं, इतने क्या किया, क्रोध है मुखे बोले प्रभु, प्रभु बोले अरे अरे नाड़ा बल देखी ज्ञान भक्ति द्वित के बड़ा। बोलो क्रोध से बोलो नाड़ा है, नाड़ा मतलब महाप्रभु का आसन को जो हिला दिया था। बोलो ज्ञान और भक्ति में दोनों में बड़े कौन, बोलो अद्वैत आचार्य जान बुझ करके उनको क्रोध दिलाने के लिए और उनसे दंड पाने के लिए मार खाने के लिए उन्होंने क्या किया। अद्वैत तो बोले सर्वकाल ज्ञान बड़ा ज्ञान, ज्ञान तो सब समय बड़ा है, चार ना है ज्ञान तार भक्ति तक ही काम, जिसका अंदर में ज्ञान नहीं हो भक्ति में क्या काम है, बेकार जीरो है, हैं जीरो है। जब उन्होंने ये बात बोले ना महाप्रभु वहां पर एक पीड़ा था, पीड़ा है पीड़ा पीड़ी था, पीड़ी को लाए और अद्वैत को छुट्टी को पकड़ लिया, पकड़ कर ना पीड़ी ला कर दे मार दमा दम दमा दम दे मार पीटे खूब पीटे। जब पीट रहे थे इतने में, लेकिन उनका पत्नी का नाम सीता देवी, वो कौन है जगत माता, वो साधारण नहीं, हाँ वो सब बात जानती है। अद्वैत आचार्य क्यों किस लिए ये सब काम कर रहे हैं उनको सब बात पता है। महाप्रभु आए मेरे को शासन करे दंड प्रदान करे ये बात सब जानती हैं, सब जानते हुए भी हैं तब ये क्या कह रहे हैं, भले ये बूढ़े को मारो मत मर जाएगा, बूढ़े को क्यों मार रहे हो, इसलिए बूढ़े को मर जाएगा इसको मारना नहीं बूढ़े को है, इसलिए कुछ हो जाएगा तो अपराध लगेगा है, इसलिए इतने में महाप्रभु कह रहे हैं कठोर वचन से महाप्रभु कह रहे हैं, कहते मैं कहां खीर समुद्र में सो रहा था और वहां से तुमने बुला करके लाया और यहाँ आ करके ज्ञान की व्याख्या कर रहे हो, मेरे को क्यों बुलाया था, क्या जरूरत था है, क्या जरूरत था वहां से बुलाने का, बुलाया मेरे को भक्ति प्रचार करने के लिए ज्ञान। जब उन्होंने खूब उनको तर्जन गर्जन करके शासन किया ना, और महाप्रभु ने क्या किया, कहते वहां दरवाजा पर महाप्रभु बैठ गए, बैठ करके महाप्रभु ने किया अपना आत्म प्रकाश किया। महाप्रभु क्या कह रहे हैं, कहते मैंने कंस को मारा है हैं और अज्य भवादी इनको भी, ये कौन है, कहते ये सबके सब मेरे सेवक हैं और मैंने वासुदेव को भी मारा, रावण को मारा मैंने, नरकासुर को मैंने मारा है और मैंने श्री गिरिराज गोवर्धन को भी मैंने धारण किया है और मैंने क्या किया है, जा करके मैंने जिस समय सत्रह जितने मान की मैं जा करके स्वर्ग लोग से मैंने पारिजात भी लाया है, हैं और मैंने क्या किया बलि महाराज को भी मैंने छलना किया है और मैंने हिरण्यकश्यप को मैंने मारा है। जब जब ऐसे बोल रहे थे इतने में जब अद्वैत आचार्य है ना एक खूब प्रसन्न होकर के ताली बजा बजा करके अद्वैत आचार्य खूब नाच रहे थे, खूब अद्वैत आचार्य प्रसन्न होकर के खूब नाच रहे थे। कहते प्रभु मैंने जैसे अपराध किया है मैंने शास्ति भी मैंने प्राप्त किया है। तो अद्वैत आचार्य कह रहे हैं बताओ, पहले तो खूब मेरे चरण मेरे सर पर अपना चरण को खूब रगड़े, खूब मेरे स्तुति खूब वंदना मेरी की, वो कहाँ गया सबके सब प्रभुता है, ये प्रभुता कहाँ गया, सब ढंग सब ढोंग कहाँ गया, पहले तो खूब ये कर रहे थे सब गया कहाँ ढोंग। जो अद्वैत आचार्य बोले इतने में अद्वैत आचार्य बहुत अच्छी बात यहाँ पर कह रहे हैं, क्या क्या बात अद्वैत आचार्य कह रहे हैं, बोले मैं दुर्वासा नहीं मेरे को ठग लोगे, मैं दुर्वासा नहीं मेरे को ठग लोगे। तो उन्होंने दुर्वासा क्या क्या ठगा बता सकते, मैं दुर्वासा को कहते मैं दुर्वासा नहीं मेरे को ठग लोगे क्या ठगा, इसलिए एक समय दुर्वासा जी द्वारका में गए, जो द्वारका में गए इतने में कृष्ण ने कहा देखो, श्री दुर्वासा जी ने कहा देखो एक काम करो, क्योंकि इनको जद्दुवंशियों को अभिशाप है, ऋषि मुनियों का अभिशाप है, क्या अभिशाप है ऋषि मुनियों का इनको ऊपर अभिशाप है, हैं कहते जिस समय ऋषि लोग जा रहे थे उसी समय में कृष्ण का बच्चे लोग हैं, कहते बच्चे लोग
किसको स्त्री बना करके, सांबो को स्त्री बना करके, और पेट में कुछ कपड़े रख लिए हैं, कपड़े रख करके और सुंदर स्त्री बना करके जब ऋषि मुनि लोग आ रहे थे हैं, ऋषि मुनि लोग आते समय कृष्ण का बच्चों ने बोले ऋषि मुनि आप लोग बताओ तो ये नई दुल्हन है, ये नई शादी करके आए, देखो इसका पेट फुला दिया, बोले बताओ उसको उसका पेट में बेटा होगा ना बेटी होगा। इतने में वहां पर तो ऋषि लोग त्रिकाल दृष्टा थे हैं, त्रिकाल दृष्टा थे ऋषि लोग, इतने में बोले और कोई मिले नहीं हंसी दिल्ला करने के लिए, ऋषि लोग ही मिल गए, बेटा बेटी नहीं होगा, इसके पेट में मुसल होगा, मुसल, और इसी मुसल से ही तुम्हारी वंश ध्वंस होने वाले। और सचमुच से जब उन्होंने जाकर के निकाला ना, सचमुच से मुसल निकला, उसके पेट से मुसल निकला। इतने में जब गए हैं, कहते उग्रसेन को पास में, बोले एक काम करो समुद्र के बीच में जाओ, घिस घिस करके उसको पूरा पाउडर बना दो, बांस न रहेगा, बांस न बचगी बसुगी। उन्होंने घिस घिस कर तो पाउडर बनाया, लेकिन जो एक टुकड़ा जो घिसा ही नहीं उसको उन्होंने फेंक दिया, उसको मछली ने निकल गया, उसको मछली ने निकल गया। जब निकल गया, अभी जद्दुवंशी के ऊपर में ऋषियों का अभिशाप, क्या अभिशाप इनके ऊपर में, ये अभिशाप इनके ऊपर में, ये अभिशाप है इनका वंश ध्वंस होने वाले हैं, वंश ध्वंस होने वाले उससे। इसलिए एक बार दुर्वासा जी आए, जब दुर्वासा जी आए तो दुर्वासा जी ने कहा, बोला देखो एक काम करो, तुम जद्दुवंशियों के ऊपर अभिशाप है, एक काम करो खीर बनाओ हैं, और खीर बना करके ये संपूर्ण रूप में कृष्ण का शरीर में, और खीर बना करके हैं, खीर बना करके कृष्ण का शरीर में पूरा पूरा लगाओ, कृष्ण का शरीर में, और लगा करके क्या करो, लगा करके और जो रुक्मणी सत्यभामा तुम दोनों घोड़ा बन जाओ, और कृष्ण और मैं रथ में बैठूंगा हैं, रथ में मैं बैठूंगा, और तुम कृष्ण भी घोड़ा बने, घोड़ा बने और मेरे को खींचो, मेरे को खींचो। और दुर्वासा जी रथ में बैठी गई, और कृष्ण का शरीर में पूरा उन्होंने खीर लगाया, लेकिन पूरा शरीर को तो उन्होंने खीर लगाए हैं, खीर लगाए, किसका खीर, दुर्वासा जी प्रसाद पाए, दुर्वासा जी का प्रसाद खीर है, लेकिन लगाया था सारी जगह में, जैसे कोई व्यक्ति खड़ा होगा ना सारा शरीर में खीर लगाओ, कहाँ पर लगेगा नहीं बताओ, तैयार को नीचे नहीं लगे है, सारा शरीर में तो खीर लगा दिया, लेकिन कृष्ण के पैर में दुर्वासा जी की जो प्रसाद नहीं लगा, इसलिए कहा देखो पूरा शरीर तो कृष्ण का बन गया वज्र, लेकिन चूंकि पैर को नीचे नहीं लगाया खीर, वो चरण रह गया कच्चा, यहीं पर प्रहार होगा, यहीं पर मरने का हाँ रास्ता यहीं पर है। और बहलिया ने उनके चरण में ही तीर मार, यद्यपि ये लीला है, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अद्वैत आचार्य कह रहे हैं, बोले प्रभु मैं दुर्वासा नहीं है, इसलिए दुर्वासा नहीं जिसकी पद धूलि है, जिसका पद धूलि तुम स्वयं अपना शरीर में लगाओगे, जिसका अधरा मृतक खीर पूरा शरीर में लगाओगे है, कहते मैं दुर्वासा नहीं, तुम मेरे को ठग सकते हो है, मैं ठग सकते हो, और क्या है, मैं तुम्हारी दास हूँ, और मैं भृगु ऋषि में नहीं हूँ, मैं भृगु ऋषि नहीं, भृगु ऋषि ने क्या किया था, एक समय ब्रह्मा जी के भक्त, शंकर जी भक्त और श्री विष्णु के भक्त, तीनों भक्त बैठ करके आपस आपस में झगड़ा कर रहे थे, जो शंकर जी को उपासना कर रहे थे बोले ये शंकर जी सर्वश्रेष्ठ है, जो ब्रह्मा जी को उपासना कर रहे थे बोले ब्रह्मा सर्वश्रेष्ठ है, और जो विष्णु को उपासना कर रहे थे बोले विष्णु परतंत्र। अभी तीनों में लड़ाई हुई तो बोले भैया ये बात को कौन मीमांसा कर सकता है, बोले ऐसे एक व्यक्ति को भेजो सबको पास में, और सबको जा करके ठीक ठीक से परीक्षा करे, परीक्षा करके किसको उपासना करनी चाहिए, फिर उन्होंने ये चीज को परीक्षा करे, फिर हमको बोले, अरे बोले किसको भेजे, बोले जो भृगु ऋषि है, तारा ये गलत वाला है, तारा मत खराब, इसलिए नहीं मारा, अच्छी
हरे कृष्ण इसलिए अभी हाँ सही हो गया। इसलिए अभी बोले भाई गुरु जी ये बड़े बुद्धिमान इनको ही भेजा जाए। इसलिए भृगुरु जी सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी क्या है, भृगुरु जी के क्या लगते हैं ब्रह्मा जी, पिता लगते हैं। और पिता अगर पिताजी को पास में जाए बेटा उसको क्या करनी चाहिए, पहले पिताजी के चरण को छूनी चाहिए। लेकिन वहां पर भृगुरु जी गए और जाकर अखड़ जैसे खड़े रहे, कोई सम्मान नहीं। केवल इतना ही देखते ही ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, बोले नॉनसेंस तेरे को इतना पता नहीं है, आकर के सबसे पहले पिताजी की चरण छूनी चाहिए और तुम एकदम अखड़ जैसे खड़े रह गए हो हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कमंडल से उठाया पानी और मंत्र पुत करके मारने के लिए दौड़े। इतने में ब्रह्मानी वहीं पर थी, बोले बेटे के ऊपर में थोड़ी क्रोध करते हैं, हैं बेटा है ना, बेटे ऊपर क्रोध नहीं करते हैं। बस ब्रह्मा जी को पता चला गया कि रजोगुणी है, थोड़ी सी इतने प्रतिष्ठा की इतना लोलुप है, अगर थोड़ी सी प्रणाम नहीं किया तो इनकी है इनके अंदर में क्रोध आ गया। वहां से भगे, कहां गए, सीधा गए कैलाश में। वहां पर शंकर पार्वती बैठे हुए थे, जब भृगु जी गए शंकर जी कहते बड़े भाई, भृगु जी के बड़े लगते हैं। जब शंकर जी ने देखा छोटे भाई आ गया, क्या करनी चाहिए है, इसलिए छोटे भैया को देख कर बड़े प्रसन्न हुए शंकर जी और खड़े होकर के अभी छोटे भृगु जी को आलिंगन करने के लिए आए। भृगु जी ने कहा रहता है शमशान में भूत पिशाच को साथ में, शरीर में मले हुए, क्या मले हुए धदुर शरीर में भस्म बने हुए हो, हड्डी की माला और जितने हैं जितने अपवित्र बिच्छू सांप लटक रहे हैं, कोई भद्रता नहीं। और खड़े रहो, आलिंगन करने का जरूरत नहीं, खड़े रहो। पास इतना बोलते ही शंकर जी को इतना क्रोध आया, उठाया त्रिशूल, बोले क्या मैं छोटे भैया सोच करके आलिंगन करने के लिए गया, मेरे को ऐसे अपमान, उठाया त्रिशूल मारने के लिए। पार्वती बड़े कष्ट से रोक के, अरे छोटे भाई को फिर थोड़ी कोई क्रोध करते हैं, हैं उनको बड़ी सांत्वना देकर उनको क्रोध को शांत किया, वो समझ गए हैं। फिर सीधा कहां पर गए, वैकुंठ में गए। जब वैकुंठ में गए देखा भगवान नारायण आंख बंद किए हुए और अनंत नाग पर शयन किए हुए, माँ लक्ष्मी उनकी चरण सेवा कर रही थी और सारे देवता लोग क्या कर रहे थे, शांतागारम भुजग शयनम बोल करके स्तुति कर रहे थे। और भगवान आंख बंद किए हुए तो भुर्ग गए, कोई बोल चाल नहीं, उनको भक्ष्य स्थल पर सीधा लात मारे। भगवान आंख बंद किए हुए थे, आंख खुल करके भृगुरु जी को देखा, देख करके भगवान ने खड़े हो गए, खड़े हो करके उनके चरण पकड़ लिए, बोले आप मेरे घर में आए लेकिन मैं आपको सम्मान नहीं कर पाया है, आपको मैं सम्मान नहीं कर पाया, मेरा अपराध हो गया, हाँ उनको मेरा भक्ष्य स्थल कठोर है, आपका चरण तो बड़ा कोमल है, आपका चरण में तो कोई कष्ट नहीं पहुंचा। इतना सुन करके भृगु ऋषि तो पानी पानी हो गए, पानी पानी हो गए भृगु ऋषि। बोले अगर जगत में कोई पूज्य है ना, तो बोले नारायण ही पूज्य, कोई पूज्य नहीं। इसलिए उन्होंने वापस वहीं से आए हैं, वापस वहीं से आए। तब वहां पर एक उदाहरण देते हैं, देखो अगर आपको कोई अगर कोई अपमान कर दिया, अकेला कोई अपमान कर दिया ना, आप सहलो, लेकिन अगर सबको सामने अगर कोई अपमान करे तो सहन करना बड़ा कठिन। कहते अगर पत्नी को सामने अगर कोई अपमान कर दिया ना, फिर तो आप कभी भी सहन नहीं कर सकते हो। क्यों, कारण क्या है, कारण क्या है पत्नी को सामने। हमारे वृंदावन में बंदर लोग आप देख लेना, अगर किसी कोई बंदर है, जैसे पुरुष बंदर है, अगर पुरुष बंदर है तो मोटे मोटे अगर उसको कोई डंडा दिखा दिया कुछ कर दिया ना भाग जाएगा, लेकिन बंदरी को सामने अगर कोई बंदर हो कुछ बोल दो ना, एकदम बंदर सहन नहीं करता है। हम लोग देखना वो जाकर के ना इलेक्ट्रिक खंभों को ऐसे ऐसे हिलाना शुरू कर देगा, बंदर को दिखाएगा देख मेरे अंदर में कितना ताकत है, है? कितना ताकत है। इसलिए बंदरी को सामने कभी वो अपमान का सहन, इसका मतलब है अगर पत्नी को सामने अगर कोई अपमान कर दे करके आप इतने निगल
अनुभूति होता है क्योंकि पत्नी हर समय पर ताना मारेगी, मतलब घर में खाली बहादुरी दिखाते है, बहादुरी घर में दिखाए ना, उसी दिन वो व्यक्ति ने क्या क्या बोला वहां तो चुप रह गया, और जितने बहादुरी घर में आकर दिखाते हो, इसलिए पत्नी चिंते गुरु को ताना मारते रहेगा। लेकिन यहाँ पर कहा दुनिया की मालिक भगवान है, जहाँ लक्ष्मी चरणा की सेवा कर रही थी और उनके सारे भक्त लोग वहां पर खड़े और उनके सामने उन्हें लात मार दिए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं, उल्टा उनका चरण में गिर पड़े हैं। आपका चरण में कोई जोर से लगा नहीं, कोई कष्ट तो नहीं पहुंचा हैं, इसलिए उन्होंने वापस आए। जब वापस आए फिर तो सारे ऋषि मुनिया ने पूछे बताओ तुम किन किनियों को पास में गया, क्या परीक्षा किया, उन्होंने सारी बात उन्होंने बताई, ब्रह्मा जी की क्या अवस्था हुआ, शंकर जी की अवस्था हुआ और विष्णु के। इसलिए बोले अगर कोई आराध्य है ना केवल भगवान विष्णु, बोले क्यों कारण क्या है, विष्णु को क्यों भगवान को भक्ति करनी चाहिए। कहते जब हम भगवान को भक्ति करते हैं कहीं ना कहीं हमारी थोड़ी बहुत सेवा अपराध बनता है, गलती थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं हमारे हो जाता है। जब भगवान की भक्ति करते हैं 10 तरह का नाम अपराध है, 32 तरह का, 64 तरह का फिर सेवा अपराध है, हैं? कहीं ना कहीं हमारी जान अनजान में कहीं अपराध बन जाती है। अगर शंकर जी अगर ब्रह्मा जी को पूजा करोगे ना, अगर कहीं से थोड़ी सी गलती हो गई ना, रक्षा नहीं खैर नहीं, मृत्यु का कारण होगा। लेकिन जो विष्णु ऐसे के देवता है, ऐसे के भगवान है, उनको छाती पर लात मारने पर भी उन्हें माफी मांगते हैं, उल्टा माफी मांगते हैं, शिक्षा देते हैं। अगर भगवान की भक्ति करते हुए अगर कोई तुम्हारे अपराध हो जाता है, अगर भगवान से माफी मांग लेते हो ना, ठाकुर जी हमारे अपराध को माफ कर देते हैं। कारण है कहते तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो भगवान हमारे पिता माता। इसलिए जैसे बच्चा अगर माँ की गोद में टाटी कर देता है, पिताजी के गोद में पिता माता थोड़ी क्रोध करते हैं, उसको साफ कर देते हैं, उसको साफ कर देते हैं। इसलिए कारण है जो हमारी जो असली जो पिता माता है ये भगवान कृष्ण राम नारायण है। इसलिए अपराध करने का वजह से चूंकि हम उनकी बच्चे हैं इसलिए हमारे अपराध नहीं लेते। लेकिन शंकर ब्रह्मा जी हम उनका उनके साथ में हमारा कोई संबंध नहीं, हम उनकी संतान नहीं है, इसलिए अगर थोड़े अपराध हो ना पर छोड़ते नहीं। और दूसरा कारण है हम जिनको उपासना करेंगे उनका कुछ ना कुछ गुण तुम्हारे अंदर में आएगा। अब जिसको संग करोगे उसका तो गुण आएगा ना, चोर का संग करो चोर बनोगे, डाकू का संग मतलब डाकू बनोगे, गंजड़ी का बनो गंजड़ी बनोगे, भंगड़ी का करो भंगड़ी बनोगे, जुआरी तो उसका तो गुण कुछ आएगा ना। इसलिए ब्रह्मा जी रज गुण के, शंकर जी तम गुण के, इनकी उपासना करेंगे ना कुछ तुम्हारे गुण में आएगा। इसलिए देखो जितने शंकर जी के भक्त कौन है, रावण है, वृकासुर है, भस्मासुर है, बाणासुर है, सब असुर असुर नाम निकले, क्योंकि अब जिसको उपासना कर कुछ कर, कुछ गुण आएगा तुम्हारे अंदर है। लेकिन जो विष्णु है वो निर्गुण है, ये निर्गुण है, और इनको भक्ति करने से तुम्हारे अंदर में भी ये निर्गुणता आएगा, स्वाभाविक रूप में वो गुण आएगी। इसलिए और भगवान की जितने भक्त हुए कृष्ण के राम के इन भक्तों का नाम लेते ही भगवान की बात छोड़ दो, इनके भक्तों का केवल नाम लो, हृदय पवित्र हो जाएगा। जब विभीषण को हनुमान जी को याद करो, तुलसीदास जी को, ध्रुव प्रहलाद को याद करो, केवल भक्तों की भगवान की बात छोड़ दो, इनके भक्तों का नाम लेते ही हृदय पवित्र पवित्र हो जाएगा। लेकिन शंकर जी के भक्तों की याद कर दो कितने भक्तों की याद करो। इसलिए वहां पर भृगु जी आकर के बोले भैया अगर जगत में कोई उपास्य है ना, अगर जगत में किसको अगर उपासना करना हो तो केवल भगवान विष्णु की ही उपासना करनी चाहिए। हाँ, यहाँ पर श्री अद्वैत आचार्य क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। भृगु जी ने क्या किया, भगवान की छाती पर उन्हें लात मारी। ये भक्त है ना, भक्त कभी भगवान की छाती के ऊपर लात मार सकता है, ये असंभव है। इसलिए अद्वैत आचार्य कह रहे भृगु नहीं है, भृगु नहीं जो कि आपका हृदय में जाकर के मैं लात मार दूंगा, मैं अद्वैत हूँ, मैं अद्वैत हूँ, आपका तत्व को मैं जानता हूँ, हाँ मेरे प्रभु हो, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, मैं दुर्वासा नहीं है, मेरे चरण धूलि को आप लोगे, मेरे खाया हुआ उनका छुटान को आप शरीर में लगा, मैं दुर्वासा नहीं,
जैसे मेरे को ठग लोगे, मैं ठगने वाले नहीं हूँ, क्योंकि मैं अद्वैत में हूँ, मैं अद्वैत आचार्य में हूँ। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं केवल तुम्हारी उचिष्ट, केवल तुम्हारी उचिष्ट में मेरा आस है प्रभु, इसलिए केवल तुम्हारी उचिष्ट के प्रभाव से ही मैं ये भवसागर से मैं पार हो सकता हूँ। इसलिए प्रभु आपका चरण में पड़ता हूँ, इसलिए प्रभु हमें अपना भक्ति दो, अपनी सेवा हमें प्रदान करो, आपके चरण में हम पड़ता हूँ। देखो इस जगत में अगर हमें थोड़ी कोई शासन कर दे ना, हम दुखी हो जाते हैं, है ना। अगर थोड़ी कोई अगर हमारी थोड़ी प्रशंसा कर दे, हम बड़े खुश हो जाते हैं। अगर थोड़ी शासन कर दे तो फिर तो फिर हो गया, कहते हम साधारण घर के थोड़ी है, लो गुरु जी माला फाला लो, मैं अपना घर में जा रहा हूँ, मैं घर ऐसे छोड़ करके आ गया। लेकिन यहाँ पर महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य को इतना पिटाई किया, केवल बोले नहीं, पीढ़ी को उठा करके दमादम है, ते दमादम खूब पीटे उनको। लेकिन अद्वैत आचार्य जितना पीट रहे थे ना, उतना खुश होकर नाच रहे थे, अरे हमारे औ भाग्य है, आज मेरे प्रभु मेरे को शासन कर रहे हैं। साधारण भाग कौन किसको शासन करता है? पिताजी बच्चे को शासन, जिसको प्रीति उसको शासन करता है, जिसको साथ में प्रीति नहीं उसको शासन नहीं करता है। घर में अगर बच्चा कुछ करता है ना, पिता माता डांट लगाते, लेकिन पड़ोसी वाले बच्चे करे, पिता माता शासन करेंगे? वो करेंगे नहीं, क्यों? उनसे कोई संबंध नहीं, शासन नहीं कर सकते। शासन उससे करते हैं जिसको साथ में प्रीति और ममता। इसीलिए यहाँ अद्वैत आचार्य महाप्रभु का शासन पा करके भी प्रसन्न है, अहो भाग्य है, आज मेरे ऊपर में महाप्रभु ने शासन किया है, मेरे को महाप्रभु मारे हैं, आज मेरे जीवन धन्य। हमारे उड़िया में ना सिंह द्वारे पड़े बेत बाड़ी बाजन ते पातक जाए छाड़े, इसलिए सिंह तो बेत मारते ना, तो जाए तो मारते बेत मारते, इसलिए सिंह द्वारे पड़े बेत बाड़ी बाजन ते पातक जाए छाड़े। इसलिए कहते सतगुरु मारे कोई ना अंधार घर जड़े बैठा, अंधार घर में उजाला प्रदीप लग जाएगा। इसलिए यहाँ पर बड़े प्रसन्न हो गए, प्रसन्न हो करके यहाँ पर वरदान दे रहे हैं, यहाँ पर वरदान दे रहे हैं। क्या वरदान दे रहे हैं? बोले तिल तिलार थे गजे तुम्हारे करे आश्रय, सेकेने पतंग कीट पशु पखिनाए, यदि मोर स्थाने करे कोटि अपराध, तथापि ताहरे मुई करीब प्रसाद। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत अच्छी बात बता रहे महाप्रभु। अद्वैत आचार्य जो बहुत प्रसन्न हो गए, इतने खुश हो गए उनकी भक्ति को देख करके। बोले हे अद्वैत आचार्य, तिलार्ध के जे तुम्हारे करे आश्रय है, तिलार्ध के भी थोड़ी सी भी अगर तुम्हारे प्रति कोई भक्ति करता है ना, जेके ना पतंग कीट पशु पक्षी नहीं, भले वो कीड़े मकड़े पशु पक्षी क्यों नहीं हो, हैं? अगर तुम्हारी प्रति अगर कोई भक्ति करता है, क्या कहते यदि मोर स्थाने करे कोटि अपराध, अगर वो व्यक्ति मेरे चरण में करोड़ अपराध क्यों नहीं करे, तथापि तहारे मुहि करियो प्रसाद, तब भी मैं उसको प्रति में कृपा करूंगा, हैं? अगर तुम्हारे चरण में जिनकी है थोड़ी सी भी भक्ति, उसको ऊपर में भले ही मेरे चरण में कितना अपराध क्यों नहीं करे, मैं उसको पर जरूर कृपा करूंगा। तब अद्वैत आचार्य जी क्या कहते, बोले आप तो ये वरदान दिया, मैं भी वरदान देता हूँ। बोले क्या है? यदि तोरे नाम आनिया मोर भक्ति करे, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर महाप्रभु क्या कह रहे हैं, अगर मेरे मेरे को नहीं मान कर अगर तुमको कोई भक्ति करते हैं, अगर कीड़े मकोड़े हो भक्ति दूंगा। लेकिन अद्वैत आचार्य उल्टा कह रहे हैं, कहते यदि तोरे नाम आनिया मोरे करे भक्ति, सही मोर भक्ति तब तहार काम, यदि तोरे ना मानिया मोरे भक्ति करे, सही मोर भक्ति तब तहारे संघारे। ये उल्टा बल कर दे, अगर कोई व्यक्ति यदि तोरे ना मानिया मोरे भक्ति करे, अगर तुमको कोई नहीं मान कर मेरे भक्ति करते हैं, सही मोर भक्ति तब तहारे संघारे, वो जो मुझे भक्ति कर रहा है ये भक्ति उसको संघार करेगा। दोनों दोनों प्रति वरदान दे रहे हैं। अभी इसमें क्या रहस्य है? बड़ी अच्छी रहस्य है इसके अंदर में, जिसको प्रभुपाद इसको ऊपर बहुत अच्छी बात बता रहे। ये भगवान ऐसे क्यों वरदान दिया और अद्वैत आचार्य उन्होंने ऐसे क्यों बताया, इसके अंदर में क्या सामंजस्य है?
दोनों दोनों को ये वरदान क्यों दिया, इसका अंदर भी इतने गहरा रहस्य है ना, बहुत गहरा रहस्य प्रभुपाद बताते हैं और चैतन्य भागवत में, इसको हम कल सुनेंगे। इसमें महाप्रभु ऐसे क्यों बोले और अद्वैत आचार्य ऐसे क्यों बोले, पर कल ही बात हम लोग सुनेंगे। बोले सचिनंदन गौर हरि की, बोले से अद्वैत आचार्य प्रभु की, कृपा सिंधु भय पावने को वैष्णव भो नमो नम। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। बोलो Yeah.
सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। सफर कर गौर हरि की जय। अनंत कोटि गौर भक्त